2016 बैच के आईएएस नितिन गौर ने गाजियाबाद नगर निगम में नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। वहीं जनतंत्र टीवी की टीम से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम में जितनी भी परेशानियों से नगर निगम जूझ रहा है, उन परेशानियों का जल्दी निस्तारण किया जाएगा। साथ ही कुछ अहम मुद्दे जैसे कूड़े का निस्तारण, स्वच्छता अभियान, जल निकासी, जल भराव पर काम करेगा। नवनियुक्त नगर आयुक्त नितिन गौर ने कहा कि नगर निगम की जमीनों पर अवैध कब्जाधारियों से नोटिस के बाद कब्जा मुक्त कराया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी उन्होंने एक मुख्य बात कही, क्योंकि वो पैसे से भी डॉक्टर क्योंकि वो पेशे से भी डॉक्टर हैं, जिसमें वो नगर निगम के कर्मचारियों से लेकर गाजियाबाद के आम जनता तक बीमारियों से बचने के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए भी लोगों को जागरूक करते हुए नजर आएंगे। तो नगर निगम में जो कमियां हैं उनको जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। 2016 बैच के आईएएस नितिन गौर और गाजियाबाद के नवनियुक्त नगर आयुक्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे क्या कुछ गाजियाबाद को देने वाले हैं सर, क्या कुछ व्यवस्था रहेंगी गाजियाबाद के लिए? गाजियाबाद के लिए प्रायोरिटीज तो ये रहेंगी जो अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं उनका टाइमली कम्प्लीशन हो, जो वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज़ और बाकी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं नगर निगम की वो टाइमली चलते रहें, और फिस्कल पोजीशन इम्प्रूव हो नगर निगम की, और सारे काम एक ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए संपादित किए जाएं। सर, भूमाफियाओं को लेकर क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, जैसे नगर निगम की जमीनों पर जो तमाम तरह के जो हैं अवैध कार्य, उन पर जो अवैध भूमि को घेरे हुए हैं उनको लेकर सर क्या कार्रवाई? तो इसमें इनकी जल्दी एक असेसमेंट की जाएगी और जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त होती रहेंगी और हमारे अपने असेसमेंट और सर्वे के हिसाब से भी उनको कब्जा मुक्त करवाने की कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाएगी। इसमें किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सर, स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रक्रिया है सर? स्वास्थ्य में दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। तो जैसा कि बोला भी जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ज़्यादातर बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज वाटर बॉर्न होती हैं, तो अगर हम अच्छी क्वालिटी का वाटर सप्लाई करते हैं तो काफ़ी हद तक वाटर बॉर्न डिजीजेस पे कंट्रोल लगाया जा सकता है। संचारी रोग पखवाड़ा भी गतिमान है, तो उसे जिला प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है, और हमारी इसमें एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि वहीं से बीमारी पैदा करने वाले वेक्टर्स पनपते हैं। सर, एक आखिरी सवाल सर, साहिबाबाद गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में एक ब्रजविहार इलाका है सर, उसी में काफ़ी दिनों से जो है गंदा पानी जो है नलों में आ रहा है, उसको लेकर सर क्या कार्रवाई? एक बड़ा नाला है उसमें भी सर? उसमें मुझे संबंधित विभाग से अवगत कराया गया है कि अराउंड 150-160 मीटर की एक पाइपलाइन है जो सीवर के साथ है, तो उसे सेपरेट करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है और वो हम आशा करते हैं कि विद इन 7 to 10 days वो कार्य कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे नवनियुक्त नगर आयुक्त नितिन गौर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो नगर निगम द्वारा कार्य किए गए उनको बेहतर तरीके से और आगे किया जाएगा, और स्वास्थ्य को लेकर भी एक जो टीम है वो पूरी बनाई गई है और उस पर भी कार्य किया जाएगा। मैं जनतंत्र टीवी के लिए गाजियाबाद से सुनील गौतम।